हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हैरी की चेरी शेयर एपिसोड नंबर 68 में। इस एपिसोड को आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि मैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन देता हूं, एडवांस प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूं कि किन स्टॉक्स में आपको बाइंग करना है, किन स्टॉक्स में आपको सेल करना है। यानी कि 6000 स्टॉक्स में से मैं आप लोगों को 6 से 7 स्टॉक्स देता हूं कि भैया इन पे सिर्फ लेवल लगा लो। सर देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डेली पैसा बनाओगे, बट ये बोलूंगा महीने के एंड में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना के बैठोगे। यानी कि हर एपिसोड में कम से कम आपको 40 से 50 बनने का पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज कम से कम 10 दिन फॉलो करो किंग रिसर्च के हैरी के चेरी शेयर्स को, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओपन चैलेंज, एडवांस प्रेडिक्शन कर रहा हूं जो मार्केट में कोई दूर दूर तक नहीं कर पा रहा है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको परफॉर्मेंस दे दूं। 67 एपिसोड नंबर दिया था, उसमें क्या हुआ, वर्लपूल का कॉल दिया था, 4000 रुपए का लॉस हुआ। पीआई इंडस्ट्रीज में 8200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ट्रेंट में 2000 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 3 कॉल हमारे एक्टिवेट हुए, जिसमें से 2000 यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट दिन रहा, फ्लैट दिन रहा, ना पैसा कमाने का दिन था ना लॉस करने का दिन था। लेकिन हाँ, एक्यूरेसी लेवल की बात करूं तो मोर देन 95% प्लस की एक्यूरेसी लेवल हैरी के चेरी शेयर की है। सो डोंट मिस, कल किन स्टॉक्स पे रडार पे लेना है, कल किन स्टॉक्स पे बाइंग करना है, सेल करना है, अभी मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो पहला हैरी का चेरी शेयर एनएमडीसी, लास्ट क्लोज 156। यस, बिग राउंड ऑफ तेजी, वंस क्रॉस 159 के ऊपर एनएमडीसी को बाइंग करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा 167-171 का टारगेट रहेगा, और उसके बाद देयर आफ्टर मोर फायरवर्क अप टू 187-191 का रहेगा। सेकंड स्टॉक मैं लेके आया हूं रेन इंडस्ट्रीज का, रेन का। सो लास्ट क्लोज 184.50 पैसा। यस, लक्ष्मण रेखा 186.88, एक बार 188 के ऊपर क्लोजिंग करा दो, उसके बाद इट विल जूम टू केस 197-201 के ऊपर मोर फायरवर्क अप टू 227-231 तक का हमारा रेन में टारगेट रहने वाला है। अब वर्लपूल की बात करूंगा, यस, बिग स्लाइड ऑन कार्ड, लास्ट क्लोज जो है 1553 और जो लास्ट होप है 1541। ध्यान से मैं बोल रहा हूं वर्लपूल का, इफ ब्रेक 1541 का लेवल, 1541 के नीचे ठोको, टारगेट 1507 1486 का हमारा वर्लपूल के अंदर टारगेट होने वाला है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो IGL है, लास्ट क्लोज 399, अबव 396, डोंट वरी, सिर्फ बाइंग करने का सोच रहा है। हमारा टारगेट 417-421 का है। एनी डिक्लाइन ऑफ पैनिक, यानी कि 389-81 तक के भी लेवल आए तो भी आपको बाइंग ऑन डिप की रणनीति लगानी है, विद टाइट स्टॉप लॉस 377 का IGL के अंदर रहने वाला है। AU बैंक की बात करूंगा, लास्ट क्लोज 1119 यानी कि बिलो 1101, पैनिक स्लाइड अप टू 1076-1056 विद टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 1127-1136 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो चंबल फर्टिलाइजर रहेगा। चंबल फर्टिलाइजर लास्ट क्लोज 417, यस, लक्ष्मण रेखा 431, फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग, वंस क्रॉस 431 के ऊपर चंबल फर्टिलाइजर को बायर करो, इट विल जूम टू केस, बड़ा टारगेट हो जाए 457-461 का हमारा टारगेट रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ABB सेक्टर लेके आए, ABB लास्ट क्लोज 2046, यस, बिलो 2061 कौन बचाएगा, ठोको, टारगेट 2027-2011 विद टाइट स्टॉप लॉस 2096-2111 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। गाइस, ये जो स्टॉक्स मैंने 7-7 स्टॉक्स आपको दिए हैं, पेपर पेन लेके बैठो, वीडियो को पॉज करके देखना, भगा भगा के मत देखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पेन से अपने इन लेवल्स को नोट कर लेना, अपने चार्ट्स पे लगा लेना, सो दैट कल इन सिर्फ और सिर्फ इन स्टॉक्स पे नजर रखना, आपको अच्छा मुनाफा होगा। कल मैं फिर आऊंगा 100% ट्रांसपेरेंसी, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, वो बात की बात है, डर लॉस से नहीं लगता रे पुष्पा, सिर्फ और सिर्फ डर लगता है तो रूल बेस्ड सेटअप को फॉलो किया कि नहीं किया उससे लगता है। तो मेरे पास जो भी ये सीक्रेट मेथड है, मैं प्रॉपर सेटअप को फॉलो करता हूं, चाहे आज पैसा बने ना बने वो बात की बात है। इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सही जगह पे सही ट्रेड होना चाहिए, आएगा छप्पर फाड़ के बनाएंगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट जेब से लॉस नहीं होना चाहिए। तो सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, जय माता दी। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू करने का। जय हिंद।